ये गाड़ी किसी अदारे ने बनाई है, ये मेरे चार चार हाथ जाने गाड़ी के अंदर, ये इतना बड़ा टोया है, ये पिंजरे की जाली का किसी ने बनाया हुआ है, साइड मिलर वीगो का लगाया हुआ है, पांच मॉडल का खरबेजों के साथ, पराठों के शीशे के पैसे के लिए वो लगाए, कोई 10,000 रुपए का शीशा है, ये 500 रुपए का है, 9,500 ये चीट हुई हुई है, ये उधर भी खरबेजा लगाया हुआ है भाई जान, किसी ने वीगो के शीशे लगाए हुए पराठो गाड़ी को। ये गाड़ी आई है हमारे पास ठीक होने के लिए, ये ऑटो चैनल वाले ने हर गिरनी बनाई जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के व्लॉग में दिखाएंगे वर्कशॉप में क्या क्या प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, चलते हैं आज के गाड़ियों की तरफ, जाके देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम आए हैं तो यार इधर ये आसिफ भाई काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा आसिफ भाई क्या कर रहे हो? गेट का काम कर रहे हैं, सेटिंग तो खुद ही मैकेनिक बन गया। और ये इधर जहीर भाई भी थोड़े लगे हुए किसी कस्टमर के साथ, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं, आपकी तबीयत से ठीक है? और आप मुझे ये बताएं भाई जान, आप हमारे पास कैसे आए और किस मकसद के लिए गाड़ियाँ सारी विजिट कर रहे हैं? मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। बस भाई गाड़ी देखने के लिए आए थे, और कोशिश है हम भी कोई पराडो या लैंड क्रूजर बनवाएं या कोई, अभी जो है ना जहीर भाई हमें गाइड कर रहे हैं। सही है, अभी देखते हैं कि कौन से, अभी जो है ना माइंड तो पराडो का है। सही है, तो आगे इंशाल्लाह अभी फाइनली पूछते हैं कि आप किस शहर से आए हैं यार? मैं शरफुल शरीफ, सदकपुर शरीफ से आए हैं आप लोग? जिला शेखपुरा की तहसील है। सही है, मियां शेर रबानी का दरबार है जहाँ पे। सही है, वहाँ से मैं। तो सर कितने मुतमिन गाड़ियाँ देखे और जहीर भाई की डीलिंग से? जहीर भाई बहुत अच्छे आदमी है और डीलिंग भी बहुत अच्छी है, और मेरे एक ना कज़न के पास गाड़ी खड़ी हुई है लैंड क्रूजर जी सर, तो जहीर भाई ने मुझे कहा है कि आप ऐसा करें कि वो डीजल है वो ना लें, तो आप ऐसा करें कि आप कोई पराडो ढूंढ लें तो वही आपको सूट करेगी, डीजल लेंगे। मशवरा एक इमानत होता है जहीर भाई, वो देना भी अच्छा चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसे। और जहीर भाई जो डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको कोई मिस गाइड नहीं करेंगे, और जिसके मुताबिक अच्छी चीज़ बना पूरा मुतमिन हूँ। सही है, तो आप जी देखें गाड़ियाँ, हमें थोड़ा इजाज़त दें जहीर भाई, आपका शुक्रिया सर। अभी ये देखते हैं साथ गाड़ी यार हमारे पास आ चुकी है, आज के व्लॉग में मैंने इसी भी के ऊपर बात करनी थी फाइनली, कि यार ये गाड़ी किसी अदारे ने बनाई है। कई अदारे हमें कह रहे हैं कि हमारे पास तीन तीन लैंड क्रूजर आ गए, किसी और अदर अदारे के झूठ से अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। नया लैंड क्रूजर तैयार करते हैं, साइड पैनल लगाते हैं 200 के 300 को, उनको पता ही नहीं है कि भाई जान 200 कौन सी होती है, 300 कौन सी है। मैं उनको लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़ा मेहरबानी, अगर काम सीखना है तो ऑटो चैनल वन पर आ जाए, आपको ऑटो चैनल वन भी काम सिखाएगा। ये किसी गंदा अदारा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वीगो के शीशे लगाए हुए पराठो गाड़ी को, तो भाई जान काम सीख लें और बोलने का भी तरीका सीख लेंगे, क्वालिटी वाला काम कैसे होता है, हर लफ्ज़ पे एक ही लफ्ज़ नहीं बोली जाते, बात चेंज करते हैं। ये गाड़ी आई है हमारे पास ठीक होने के लिए, ये ऑटो चैनल वाले ने हर गिरनी बनाई, ये गाड़ी का नंबर भी आप देख लें, और जब ये गाड़ी फाइनली तैयार होगी तो आपको इस गाड़ी का रिव्यू भी दिलवाएंगे। इसी के साथ इन्होंने साइड मिलर वीगो का लगाया हुआ है, पाँच मॉडल का खरबेजों के साथ, इसी अदारे ने। इस गाड़ी का मैं बोनट खुलवाना चाहूँगा और टेक्निकली चीज़ें दिखाना चाहूँगा यार, जो लोग आपकी गाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, लाइनें सेट कर दी, लाइनमेंट हो गई, ये भाई जी इंज नहीं होता, क्वालिटी वाला काम करना तो मेहनत करनी पैंदी है, रातों जागना पैंदा भाई। आसो भाई दरवाज़ा खोलनी, ऐसा बोनट खोलनी यार। आज के व्लॉगिंग में मेन गाड़ी यही है कि वीगो के शीशे लगा दिए यार, पैसे लिए हैं पराठों के तो पराठों के लगाएं, पराठों के शीशे के पैसे के लिए वो लगाएं, कोई 10,000 रुपये का शीशा है, ये 500 रुपये का है, 9,500 ये चीट हुई हुई है। और जैसे ही मैंने गाड़ी का बोनट खोला तो भाईजान बिस्मिल्लाह करके, तो गाड़ी का बोनट खुलते ही मुझे खरबेचे नज़र आना शुरू हो गए हैं, हमारी कोई भी गाड़ी के ऊपर ऐसे स्क्रू नहीं लगा था। आसिफ भाई मुझे वो दिखा देना पेज का सियारा, ये मैं शील्ड खोलनी है इसकी, बोनट नमदा थर्ड क्लास लगाया हुआ है किसी ने, थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास, ये पिंजरों की जाली वाला नमदा लगा हुआ है, ये पिंजरे की जाली का किसी ने बनाया हुआ है। खुदा ना मेरी रिक्वेस्ट है काम करें मार्केट में, लेकिन क्वालिटी वाला करें, एक कस्टमर मुतमिन हो के जाए। लो जी ये खोलते हैं आज, देखते हैं आज के व्लॉग में, ये गाड़ी बड़ी मिली है यार, पैसे ले लिए, काम पूरा नहीं किया। ये गाड़ी हमारे पास भाई जान आई है ठीक होने के लिए, ये नीचे भी खरबेचा लगाया हुआ है भाई जान किसी ने, और ये क्लिपों में बैठती है ये शील्ड, में अभी आपको अपनी पराठों पे बैठा के भी दिखाऊंगा, और एक अपनी पराठों का भी बोनट खोलेंगे। क्या मैं फैजान झूठ तो नहीं बोल रहा वीडियो के अंदर? क्या ये तो नहीं हो रहा कि भाई जान क्वालिटी वाला काम खाली शोर डालते रहते हैं कि काम करें काम करें? ये उधर भी खरबेचा लगाया हुआ है भाई जान किसी ने,
और इसके ब्रैकेट देखें भाई जान, कितने गंदे से लगे हुए हैं, अंदर से पेंट ही नहीं हुआ, बस जंग लग रहा है गाड़ी को। तो ये ही गाड़ी का क्वालिटी आप ख़त्म करेंगे और क्वालिटी वाला काम करेंगे। इसी के साथ आते हैं, हमारी जो प्राटोस तैयार हुई हुई है उसको देखते हैं यार, वो कैसी हुई है। ये लगी हुई है क्लिपों के साथ, और इसको भाई जान ये खोला, ये क्लिप है ना यार, से खरबेचे लगे हुए हैं, इसको जनरल क्लिप लगे हुए हैं। तो भाई जान काम का फ़र्क है, क्या अभी खुदाड़ा कहीं से भी बनवाएं गाड़ी, लेकिन क्वालिटी वाला काम करवाया करें, और यकीनन अपनी गाड़ी का ख्याल किया करें जब कल को खुलवाएं। कि कोई शहर से भी कोई बंदा भी खोलेगा ना, तो ये नहीं होगा कि भाई जान ये मसला या प्रॉब्लम है। हम ये शील्ड लगाते हैं कि गैप ना आए बोनट का, टेक्निकली चीज़ है, कोई भी नहीं लगाता, इस चीज़ के पैसे भी नहीं चार्ज करते कस्टमर से। और इधर देखते हैं इस गाड़ी को, कुछ भी नहीं लगा हुआ। और इस गाड़ी का बोनट बंद करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाएंगे, इसका बोनट भी बंद करते हैं और इसकी शो हिलते देखें ज़रा, ऐसे शो हिल रही है इस गाड़ी की, पूरी शो इसकी हिल रही है आगे से। और अगर मैं अपने अदारे पे ये गाड़ी दिखाना चाहूँ तो इधर से कैमरामैन अगर उधर से आ जाए तो, ये मेरे चार चार हाथ जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, इतना बड़ा टोया है। अभी देखते हैं अपनी गाड़ी कंपेयर करते हैं कि क्या उसमें भी ऐसी है। कैमरामैन मैं कहूँगा उधर आ जाए ज़रा प्लीज़। ना यार इसमें तो एक उंगली भी नहीं गुजर रही, कहीं से भी करवाया करें, क्वालिटी वाला काम करवाया करें। आज का ब्लॉगिंग में दिखाना आपको ये मकसद है, दोनों गाड़ियाँ कंपेयर करना। इसी तरह हमारे पास एक और गाड़ी इधर फेस अप लिफ्ट होने के लिए आई हुई है, उसको भी देखेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं। सारी बोनट खोलना ज़रा। तो जी ये भी बोल्ट ऑन गाड़ी फिट हो रही है, और थोड़ी साइम भाई से भी बात कर लेंगे, आपको पता है जो फिटिंग को इधर बड़ा हेड करते हैं। साइम भाई ये क्लिप टू क्लिप शील्डें लगेंगी कि खरपेचे लाने ने पाए? नहीं नहीं क्लिप टू क्लिप लगेंगी। काली गड्डी खोली में बड़ा दुख होया बॉस, कि कस्टमर ने पैसे लगाए ने किसी और अदारे तो काम करवाया, लेकिन उसकी गड्डी का काम ठीक नहीं होया बॉस। नहीं प्रधान भाई हमारा जो है ना काम जो है ना, हम क्लिप टू क्लिप जो होता है काम क्लिप टू क्लिप करते हैं 100% वहाँ पे ऑडिशन करते हैं, जैसे हम कहें कि हम क्लिप टू क्लिप करते हैं, हम ऑडिशन भी करते हैं, क्लिपेचे भी लगाते हैं, जहाँ पे लगने हो क्लिप वहाँ क्लिप भी लगाएंगे। सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, इधर सुनैन भाई मुझे नजर आए थे, उनको पकड़ना आज हमारा काम है। सुनैन भाई से ये गाड़ियों को बड़ा काम करते हैं और काम को समझते भी हैं। सुनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? सर छोड़ देंगे, मेरा बच्चा बैक करेगा, ये हमारी जॉब है, आप ये छोड़ दें, मेरे से थोड़ी सी बात करें। सर कैसी तबीयत सेहत आपकी? सुनैन भाई कितना तजर्बा आपका गाड़ियों के काम में? भजन आपके सामने आपके साथ ही काम करते थे सारी ज़िंदगी, आपको समझ ले जब हम लेबर करते थे तो तभी इकट्ठे थे जी, बिल्कुल जी। तो इमरान भाई भी होते हैं हमारे बड़े भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी दिल से इज्जत करते हैं, और हमें भजन खुशी होगी कभी वो ऑटो चैनल वन पे आए हमारे पास इंशाल्लाह भजन आए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े शोरूम जो लाहौर में ये रोड पर है ना, बड़ा शोरूम 4x4 जिस शोरूम पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लगी होंगी, ये शोरूम से बिलोंग करते हैं, पता नहीं मैसेज समझते हैं नाम बताना कि नहीं। और बाकी बात जो करेंगे इनसे, इनका तजर्बा बड़ा है भाई जान, आपका तजर्बा बड़ा है। आम कस्टमर ना खा जाता धोखा, पेंट हल्का लगाओ, लाइन बोनट की सेट ना हो, तो आप क्यों हर बार ऑटो चैनल वन पे आते हैं? भाई जान हमारा एक, हमें पता है कि हमारे भाई हैं काम करने वाले, सारी ज़िंदगी हमें हो गई इनसे काम करते हुए, हमारे आपके साथ ही शुरू से आपके साथ ही हैं, फिटिंग का काम शाम ये वो, तो हम सेटिस्फाई हैं आपकी आपसे, जो इस वजह से हम लोग इधर आते हैं। सही है, और भी जे रोड से अगर इधर आएँ तो भाई जान काम कमो बेस आएगी बंदे हैं, लेकिन जिनके साथ अलग हो, जिनके साथ काम करना हो, वो सारी जिंदगी तलुक नहीं, काम की क्वालिटी कैसी होती है? क्वालिटी माशाल्लाह अच्छी है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, बेहतरीन। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह क्वालिटी वाला काम, तो फिर सर आपको ऑटो चैनल वन पे आना पड़ेगा, सुनैन भाई भी इधर आते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मेरे कैमरा मैन तैमूर भाई को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू अल्लाह।